उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नकली रेत की एक बड़ी खेप बरामद की गई। वहां मिट्टी और लाल पत्थर का चूरा मिलाकर नकली रेत बनाई जा रही थी, जिसका पर्दाफाश छापेमारी के बाद हुआ। अधिकारियों ने नकली रेत देखी तो वो भी हैरान रह गए। अवैध रूप से बालू और मिट्टी को मिक्स करके बदरपुर बनाने का मामला संज्ञान में आया है। मामले की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को देखते ही आरोपी भाग निकले, लेकिन नकली रेत का अवैध कारोबार देखकर प्रशासन मुस्तैद हो गया। जहां से भी हमें जो सूचना मिलेगी इस संदर्भ में व्यापक कार्रवाई करेंगे, और जो भी लोग इस अवैध धंधे में लिप्त हैं उनके लिए हमारी चेतावनी है कि वो तत्काल प्रभाव से इस तरह के धंधे को रोक दें। पुलिस ने नकली रेत के साथ दो ट्रकों को भी बरामद किया। चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मंडी में बने 100 से ज्यादा खोखे आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भयानक थी कि उससे निकल रही ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग की वजह से दुकानदारों को लाखों का नुकसान होने की आशंका है। तो जीरकपुर सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आप देख सकते हैं ये आग काफी भीषण थी और जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची तो मंडी में बने 100 से ज्यादा खोखे आग की चपेट में आ गए। आग काफी भयंकर थी, ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग की वजह से लाखों के नुकसान की भी आशंका है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत ने राज्य के 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही 5 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राज फिर लौट आया, जिसके लिए राज्यपाल कल्याण सिंह ने सरकार के मुखिया के तौर पर अशोक गहलोत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके साथ ही अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद बारी आई राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के युवा चेहरे सचिन पायलट की, जिन्हें मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हालांकि बाद में सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत को सरकार की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया, जिसकी वजह से उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि उस पल का साक्षी बनने के लिए सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट अपने दोनों बेटों आरन पायलट और विहान पायलट के साथ कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान सारा पायलट के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी अपने दामाद सचिन पायलट के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। लेकिन शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट का भी रुख किया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत देश के दूसरे शहरों से पार्टी के कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जिनके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से एक बस का इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से राहुल गांधी और मनमोहन सिंह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला छोड़ बस में ही सवार हो गए, जहां राहुल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सीट की बगल वाली जगह पर जा बैठे। ये सिलसिला शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाए गए मंच पर भी दिखा, जहां कांग्रेस के दोनों बड़े नेता एक साथ ही बैठे दिखे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचे, जिनको देखने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उनकी बगल में जा बैठे। इस बीच कांग्रेस के आनंद शर्मा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आगे बढ़कर वसुंधरा राजे का अभिवादन किया। पिछले 5 साल तक राजस्थान में सरकार चलाने वाली वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बधाई दी। जी नए हमारे मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, दोनों को बहुत सारी बधाइयां हम सब की ओर से देना चाहते हैं। बधाई के साथ बीजेपी नेता ने पिछली सरकार में शुरू हुई परियोजनाओं के कांग्रेस सरकार में भी जारी रहने की उम्मीद जताई। लेकिन अशोक गहलोत की ताजपोशी के बहाने कांग्रेस की विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश अधूरी रह गई, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस का समर्थन करने वाली मायावती और अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने विपक्षी दलों के नेताओं को अपने मंच पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके न्योते पर जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर कांग्रेस के मंच पर खड़े दिखे। यही नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने वाले डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन भी अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत से उत्साहित राहुल गांधी बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं के अलावा कांग्रेस के नेताओं से भी बड़ी गर्मजोशी से मिले। इस दौरान
वो मंच पर ही मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी नहीं भूले। राहुल खुद चलकर वसुंधरा राजे के पास गए और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसको वसुंधरा राजे ने भी गर्मजोशी से थामा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई, लेकिन कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर बीएसपी नेता मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नदारद रहने पर सवाल भी उठे। तो वहीं विपक्षी एकजुटता की कोशिश में जुटी कांग्रेस राजस्थान में खुद दो गुटों में बटी दिखी, क्योंकि उसकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कुछ समर्थकों ने अपने नेता के पक्ष में जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते वक्त अशोक गहलोत की आवाज कुछ देर के लिए शोरगुल में गुम हो गई, क्योंकि वहां मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने हाथों में उनकी तस्वीर लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। सचिन पायलट के इन समर्थकों ने अपनी नारेबाजी अशोक गहलोत की शपथ तक जारी रखी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये नजारा है, ये चुनौती है कांग्रेस के लिए राजस्थान के अंदर कि अशोक गहलोत जब शपथ ले रहे तब भी सचिन पायलट के नारे लग रहे थे। हालांकि ये सिलसिला यही नहीं थमा, जब अपने पिता राजेश पायलट की तरह सिर पर लाल पगड़ी बांधे सचिन पायलट ने मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए माइक थामा तो अशोक गहलोत के समर्थकों ने भी अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कुछ देर के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक नारों के जरिए आमने सामने आ गए।